Hello and welcome to another episode of SiddySays TV. आज हम आपको मिलवाने लगे हैं with somebody who is very very talented और शायद आपने उनको बहुत ज़्यादा अपनी स्क्रीन्स पे ना देखा हो because थोड़ी सी लोकी हैं. He's worked a lot across the border and he has come back to make a real difference in our music world. Welcome Wajih Farooki. How are you? I'm good. How are you? I am very well. Thank you so much. आपने time निकाला. I know you don't do this very often, but it's great to have you because we want to show everyone what a bundle of talent you are. Oh, thank you for calling me. मुझे बताएं. Let's start from the start. शुरू से पता था singer बनना है कि you know क्या music में आना है, you know सीखना है. कैसे? How did the journey start? नहीं नहीं शुरू से नहीं पता था और लेकिन मेरे घर पे म्यूजिक घर वालों के बैठ के यू नो लाइक फैमिली में हो रहा होता था ऐसे ही शौक किया एंड देन आई पिक इट अप फ्रॉम देयर और उसके बाद बस म्यूजिक करते गए बैंड जो है वो बन गया स्कूल में म्यूजिक अच्छा तो लगता था पर ये तो नहीं पता था कि यू नो इंडस्ट्री में आ जाओगे And then I learned from my first teacher was Safiya Beg, Rizwan Beg. Yeah. Wonderful. लेकिन ये क्या काम करने लगे हो ये वाली बात तो बहुत ज्यादा थी बिकॉज आई गेस 10th के बाद से यू टुक इट वेरी सीरियसली तो घर वाले भी हो गए कि ये क्या हो रहा है ये कौन से रास्ते में निकल पड़े हैं ओके तो मुझे ये बताएं कि ओके सो इफ यू नो स्टार्टेड वेरी अर्ली यू हैड योर ट्रेनिंग इन क्लासिकल म्यूजिक और आपको यू नो पैशन था डिड यू फील दैट ब्रेकिंग इनटू द इंडस्ट्री इज डिफिकल्ट फ्रॉम समबडी हु इज एन आउटसाइडर I don't know. मैं हमारे बैंड के साथ ऐसा हुआ नहीं. Okay. Because तब तो we started as a band. And now we still a band but Indo Pak band. तो पाकिस्तान में तो मैं अकेला ही घूम रहा हूँ. तो no but the song was an instant hit. हाँ. तो और in 2005-06 music का इतना बड़ा scene था. हाँ. And industry was welcoming everybody. जो भी अच्छा music लेकर. Try हो रहा था पाकिस्तान में. हो रहा था and then बुलादो वाज लाइक अ ह्यूज हिट ओवरनाइट तो तब तो नहीं लगा कि तब नहीं लगा कि यू नो कि फैमिली आई हैव अराइव्ड टाइप सीन पीपल वो भी नहीं हुआ वी वर सो यंग वी वर लाइक इन कॉलेज कुछ लोग तो स्कूल एक बैंड मेंबर तो स्कूल में था स्कूल से निकला था वो तो क्या फील होना था कुछ फील ही नहीं होना था बस मजा आ रहा था फैंस हैं इंडस्ट्री में आ गए हैं रिस्पेक्ट मिल रहा है लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है क्योंकि बहुत अब मुश्किल है लोगों के लिए क्योंकि कैंप्स हो गए हैं अच्छा फेवरेटिज्म है अच्छा तो मुझे ये बताएं कि ओके सो सॉन्ग हिट हो गया बैंड बन गया ये क्रॉसओवर कैसे हुआ फ्रॉम हियर टू देयर बिकॉज़ उस वक्त तो बहुत सीन था म्यूजिक का देयर वर चैनल्स देयर वर एल्बम्स कमिंग आउट बैंड्स लाइक कॉल एंड स्ट्रिंग्स एंड एवरीथिंग तो व्हाई What happened to make crossover to the other side? Itna jaldi nahi hua. 2007 we got the best debut album Lux Style. Yeah. Then 2008-09 we played the highest number of concerts in Pakistan. Bilkul. 9 we signed another album with Jio. The first album came out with Universal internationally or Jio Pakistan. Fire Records. Yeah. It's same with the second one. So. And it was like funded by them. तो कोई मतलब कोई इशू ही नहीं था चार साल तक तो बहुत जबरदस्त पीरियड था तो वो तो कोई क्रॉसओवर नहीं था लेकिन आफ्टर द सेकंड एल्बम हमने सोचा कि अब क्या करें टू ग्रो ऑब्वियसली दो एल्बम्स हो गए लोगों की जिंदगी गुजर जाती है एल्बम नहीं बनते सो दो एल्बम्स के बाद क्या करना है तो नेक्स्ट लेवल इज यस बॉलीवुड इंडिया और फिर और उस वक्त काफी सारा इन्फ्लक्स भी था दे वर यू नो पिकिंग अप आर्टिस्ट फ्रॉम दे वर नॉट पिकिंग अप आर्टिस्ट अच्छा बिकॉज़ द टाइम दे वर पिकिंग अप आर्टिस्ट वाज फ्रॉम 2003 टू 8 ओके एंड आफ्टर दैट अटैक बॉम्बे वाला वो लोग पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं पसंद कर रहे थे अच्छा दे वर लाइक टू थ्री पीपल आतिफ वाज ऑलवेज देयर ऑब्वियसली माशाल्लाह इज अ सुपरस्टार लेकिन उसके बाद जल बिल्कुल और स्ट्रिंग्स ये दो लोग काम कर रहे थे इवन देन स्ट्रिंग्स बिकॉज़ कॉलेज मार्केट होता है
इंडिया में ओके और स्ट्रिंग्स ने ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेज में बजा लिया था दे वांटेड समबडी न्यू ओके तो हम जब गए हमारा एक कॉन्सर्ट था आई गेस इट वाज गोवा ओके बल्कि ट्रिप था गोवा अहमदाबाद एंड चंडीगढ़ 3 सिटी टूर तो वहां जाने के बाद जब कॉन्सर्ट हुए तो उनको एक दे लव्ड आवर सॉन्ग्स सेकंड एल्बम हमारा पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में हिट हुआ अच्छा। था गाना था तुम मेरी हो वादा करके सुना दे थोड़ा सा वादा जो का जिसका हमने वीडियो किया था दे दो मुझे तुम अपने गम दे दूं तुम्हें मैं खुशियां सभी मेरा दिल जो है ना वो ऐसे ऐसे हो गया That was amazing. You know, that's the power of singing कि आप साथ बैठे और आपका कार्डियो हो गया That's fantastic. अच्छा this was वादा obviously मैंने उसका हुक गाया No wonder they loved you They loved the song and there was other song तुम मेरी हो Okay तो it was like a pop song तुम मेरी हो तो उसका स्टोरी था कि यू नो लाइक यू व्हेन यू कॉल योर गर्लफ्रेंड एनी ऑन द फोन व्हाट डू यू टेल सो दे लव दिस आजकल के बच्चों के लिए नहीं उसको तो बैक इन 2010 या तो या सो दे लव द सॉन्ग एंड वी वेंट देयर देयर वाज नो लुकिंग बैक एक शो के बाद दूसरा शो दूसरे के बाद तीसरा शो एंड जल काम कर रहा था तो द मेन मार्केट इज वेस्ट बंगाल कोलकाता अच्छा लाइक इज द ह्यूज मार्केट वहां पे आपको इन होना है तो एक जल का कॉन्सर्ट था एंड दे डिडंट गेट द वीजा अच्छा पाकिस्तान थे वो लोग तो बाय चांस हम वहां थे सो वी प्लेड दैट शो एंड द टर्न ओवर बिकॉज वो किसी और का कॉन्सर्ट था और वो तीन दिन पहले हमने ले लिया there were 300 people okay. only okay. that's like really low for India and after a month when I played in Kolkata there were 15,000 awesome mashallah mashallah so yeah so, you know this is the power of good music yeah. and then the journey you know so wahan se fir rate ke members jo yahan the wo log bahut log nahi itna ruk paaye eventually vocalist ka hota hai and you then, ended up staying there for 7 years yeah I used to come here for like 2 months of one course, month you know, but then I found my band members in India and they're from Darjeeling okay yeah, it's a beautiful town fantastic yeah so saal mein aapne you did you know so many shows then you you know ventured into the industry and everything yeah. how is it different from Pakistan the industry there In Pakistan, you don't. Even if it, like a huge song comes out, you have to promote it. You have to meet the right people, and you know you have to work hard to meet people. It's not, unlike India. India mein kuch ek like doing a good concert, you'll get 100 concerts. Ghar baithe. But is it because market itni badi hai? Because you know there's so many more people. There's so much more work. Yeah. Do you think it's the attitude that's different? It's the I don't know it's the people or the attitude because main naam nahi lunga main dekho naam to nahi lunga ek example dunga ki Shahrukh Khan bhi flop hota hai right India mein agar acha kaam nahi aa raha if the good work is not coming out he will not get better work then he has to work hard for it aur acha kaam aa raha hota hai to wo kehte hai na ki producers ki line lag jati hai ghar ke bahar Plus, I think they also build up their stars, na? They respect. वहाँ पे leg pulling होगी, I'm sure. But I just feel कि उनको star बनाना आता है किसी को. अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा flop काम किया last year. Okay. Why is that? दोस्ती यारी networking क्या वजह? I don't know. मुझे अभी तक समझ नहीं आया पता सब है लेकिन बोलना नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि फिर तो काम पे जोर नहीं दे रहे हैं ना कि लुक शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार है या सलमान खान उसका रेस 3 फ्लॉप हुआ तो उसको अच्छा स्टोरी या एक्टिंग करना पड़ेगा पाकिस्तान में देखो हमारी नंबर वन एक्ट्रेस वो तो फ्लॉप काम करके भी काम कर रही है है ना समझ गई हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ सो तो यहाँ अलग है कुछ यहाँ यू शुड नो द राइट पीपल कुछ पार्टी कर लो अच्छा दैट मेक्स अ डिफरेंस या वैसे या एंड इट्स द नेटवर्किंग इट्स द नेटवर्किंग एंड नोइंग द राइट पीपल आई गेस के घर पे बैठ के मुझे ये बताओ कि अभी वापस आ गए हैं अब बहुत सारा काम हो रहा है टेलीविजन के लिए हो रहा है ओएसटीज निकल रहे हैं
मजा आ रहा है कि अभी लग रहा है कि अभी टाइम है. हाँ अभी मजा तो अब मजा आना शुरू हुआ है. अच्छा ओके. लेकिन अभी टाइम है मगर क्रिएटिविटी के लिए स्पेस मिलती है यहाँ पे. हाँ वो okay, मिलती है. That's great. Because I'm working with the people. मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि you know, बस पैसों के पीछे भागते रहो और छोटी प्रोडक्शन के साथ काम करो. जब भी छोटी प्रोडक्शन के साथ काम करोगे ना तो इश्यू आ जाएगी क्योंकि उन इडियट्स को कुछ नहीं पता होता. वो कहते हैं ये भी भाई तुम्हें मतलब तुम अपना काम करो यार तुम्हें क्या पता. They want to do the same thing over and over. मुझे लगता है कि एक चीज चल गई है तो वही करते जाएं. And then they tell you कि नहीं ऐसा म्यूजिक आप ऐसा बना लीजिए ऐसा करिए ऐसा. ये सुन ले रेफरेंस. ये रेफरेंस तो अभी सुनते ही है लेकिन वो बहुत ज्यादा एक हिंड्रेंस होती है ना वो रहता है. लेकिन विद गुड प्रोड्यूसर लाइक वजाद रोज मैं जब वापस आया हूँ आई मेट हिम इन अ पार्टी हसन की रिजवी की. बोला कि ऑफिस आ जाओ. मैं गया मैंने म्यूजिक सुनाया उसने कहा हाँ यार ये कर मजा आया कर दो. और वो उसके बाद कुछ भी नहीं बात हुआ है. उसने मुझे कहा था कि खाली हमें उस पे डांस करना है लास्ट जो सीक्वल एपिसोड होगा तुम वैसा करना है उसको. तो उसके अलावा उसको मुझे तंग नहीं किया कि ऐसा म्यूजिक बना दो ये कर दो वो कर दो. और यही सेम बात एजाज असलम और फैसल कुरैशी ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि टैलेंट. फैसल कुरैशी का एक बड़ा फनी इंसिडेंट है. फनी तो नहीं है बड़ा मजेदार है कि स्वाति शर्मा जिसने बन्नो तेरा स्वैगर गाया ह्यूज सॉन्ग 200 मिलियन तो मैंने उसने हमारा गाना गाया था ये मौजूदगी शादी मुबारक का उससे पहले खालिश का एक दो गाने करे थे. मैंने उसको रेफरेंस दिया फैसल भाई को कि यार ये सिंगर चाहिए आपको सुपरस्टार है ले आते बोले और भी सुनाओ. मैंने एक दो और सुनाया जो कि स्ट्रगलिंग थे. इंडिया में स्टूडियो मेरा बॉम्बे में स्टूडियो है तो ज्यादा सिंगर्स वहीं से होते हैं. उन्होंने कहा नहीं यार वो वाली लड़की ले लो जो फेमस नहीं है इतनी. और उसको लिया और अभी आई डोंट नो आप कितना ड्रामा देखते हैं लेकिन जो ड्रामा की ऑडियंस उसमें बाबा जानी सुपर हिट इट्स लाइक 6.5 मिलियन व्यूज हो गए उसके एंड देन द सॉन्ग इज मोर देन 1 मिलियन इन 3 वीक्स विदाउट एनी बूस्ट और एनीथिंग. तो वो हिट हुआ पर मुझे अच्छा लगा कि वो टैलेंट के वो जो वॉइस थी वो ज्यादा बेटर थी और जो नाम था नाम से उन्होंने ज्यादा टैलेंट को रखा. आई थिंक दैट इज की. अच्छा मुझे ये बताएं कि अब रिसेंटली वी हर्ड एंड वी हैव सीन महेश भट्ट सिंगिंग लॉट्स ऑफ प्रेज फॉर यू. अच्छा रिलेशनशिप है उसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं अच्छा रिलेशनशिप नहीं है वर्किंग रिलेशनशिप. भट्ट साहब का अलग सीन. भट्ट साहब से जब मैं हम जब इंडिया में 3 साल के बाद You're doing a lot of concerts. Okay. और वहाँ concerts की अलग market है. You think you're there. जब तक बॉम्बे नहीं जाते. Okay. तो बॉम्बे से बाहर जब रहते हो तो पाकिस्तानियों के लिए ये है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो बॉम्बे में नहीं काम कर सकते हैं ज्यादा ओपनली ऐसे कॉन्सर्ट्स नहीं कर सकते. फिल्म करो. It's because of जो उनका है political setup. Yeah. Okay. तो so लगा के बड़े यार बच्चे पागल हो जाते हैं लोग तो चलते हैं बॉम्बे तो फिर. So we went to Bombay. So my Rocky sister, she was handling उस टाइम पे करण जौहर. Okay. And then she started handling आलिया भट्ट. Okay. तो मेरे लिए बॉम्बे में किसी से मिलना कोई इश्यू नहीं था. It was really easy, thank God. तो I went, she said कि चलो भट्ट साहब फिल्म बना रहे बल्कि भट्ट साहब की वाइफ फिल्म बना रही है तो यू गो मीट भट्ट साहब. तो मैं गया भट्ट साहब से मिलने उनको गाने सुना उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया. और ये हाँ सीरीज की ये अभी अच्छा जब मैं जा रहा था नंबर दे दो मैं फोन करूंगा. सो स्कूलिंग होता है तो वो स्कूलिंग के बाद फिर एक और उनका एक ट्रैक आया अधूरी कहानी का. तो जो प्रमोट कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में एक अरिजीत का था फिल्म में और एक प्रमोशनल ट्रैक था जिसका वो प्ले पूरी हर जगह करना चाह रहे थे. तो वो बोला मैंने बनाया. तो मेरे लिए वो मोमेंट था कि यू नो हम जब बैठे थे थिएटर में तो ही वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी और वो ही वाज सिंगिंग माय सॉन्ग ऐसे करके. आई वाज लाइक रियली हैप्पी. और फिर हमारा वो एक रिलेशन के हाँ ठीक है अब नई कॉम्पोजिशन ले आओ. वो पूरा स्कूलिंग होता है कि इसको बॉम्बे में पिसने दो. बॉम्बे जो है वो बहुत आपको ईजिली सेटल नहीं करता अनलाइक दिल्ली या कलकत्ता. वहाँ ईजिली आप अपना लेता आपको. बट बॉम्बे बड़े फिल्मी बात है लेकिन बॉम्बे जो है ना वो स्ट्रगल कराता है. वो So, ये सब जो हमने सुनी हुई है struggles of artists and actors who are from not from the industry and they come in or you know depression के शिकार ये वो this all मैंने देखा है लोग मेरे साथ बहुत सारे musicians होते थे जो because
आई वॉज डूइंग कॉन्सर्ट्स तो पैसों का कोई इशू नहीं था, लेकिन जो बच्चे घर से आए हुए थे कि यार हम बड़ा काम करेंगे, इंडियन वहाँ लड़के, तो दे यूज्ड टू कम टू माय प्लेस बिकॉज़ आई वाज लिविंग इन बांद्रा. मैं इन बांद्रा इज लाइक अ लॉट ऑफ फन. दो गली छोड़ के शाहरुख खान का घर है, सलमान खान का घर है, मैं आमिर खान को देख रहा हूँ ग्रोसरी करते हुए. वो लोग आते थे और आधे लोग चले जाते थे वापस अपने घर, क्योंकि वो नहीं रुक पाते थे वहाँ पे काम. बट एक बार बॉम्बे में सेटल हो जाओ देन यू गेट लॉट ऑफ वर्क. पर वो सिखाता है कि काम का लेवल ऑफ वर्क क्या है, आप किस एटलीस्ट इतना अच्छा काम जाओगे कैसे मिलने किसी से कि बकवास काम लेके नहीं जा सकते हो. Exactly. या नाम लेके नहीं जा सकते हो, नाम काम को बोलना चाहिए, काम जाएगा. वो एक चीज जो सिखाता है जो कि थैंक गॉड मैं वापस आया हूँ, वो स्कूलिंग मुझे यहाँ बहुत काम आती है. सो आई नेवर गो फॉर वर्क, आई ऑलवेज गो फॉर मीटिंग. बहुत बार रहता है, बहुत लोग कहते हैं हमें नहीं लगा था इतना ऐसा म्यूजिक होगा आपका. सो मुझे बताओ कि क्या देख रहे हो अपने आप को अगले कुछ सालों में इन पाकिस्तान. where do you see, you know, your musical journey going? पाकिस्तान में because albums भी निकाल लिए, awards भी ले लिए, you know, your... अभी तो awards लेने हैं और अच्छा, second journey है ना. Second journey, exactly. So आप कहेंगे अब second journey, how is it going to be bigger than the first? I think मुझे इस OST पे ओके नहीं, लेकिन मुझे इस OST पे अवार्ड मिलना चाहिए. ओके मिलना चाहिए, डिजर्व करता है दिस न्यू सॉन्ग आईना बना के. ओके एंड यू डूइंग दिस फॉर? आई हैव डन इट फॉर फैसल कुरैशी, दिस बाबा जानी OST उस पे, क्योंकि वो बहुत सा ब्यूटीफुल सॉन्ग. देन द न्यू सॉन्ग हैज कम आउट और वो भट्ट साहब ने प्रेजेंट किया है, बिल्कुल, वो सफर. हां थोड़ा सा सुन ले एक एक इसके बाद एक और मेरी रिक्वेस्ट है, बट ये सुन के फिर. ओके ओके हां ओके ओके तन्हा हुआ मैं खुद से जुदा, मैं भूला हूँ खुद को कहीं, रेत के जैसा बिखरा हुआ मैं, गम से हुई दोस्ती इश्क बन के वो, दर्द बन के वो मुझ में बहती रही, इन फिजाओं में इन हवाओं में बात कहती रही, कैसे भुला दूं मैं वो सफर, थे साथ हम तुम शामों सहर. Goosebumps, serious goosebumps. Very nice. Thank and you. Beautiful, बहुत खूबसूरत. Yeah. तो क्या inspiration कहाँ से आती है music की? मैं तो समझ ही नहीं सकती, मैं बिल्कुल ही non musical इंसान हूँ, सिर्फ सुन के पता लगता है अच्छा लग रहा है, मगर कहाँ से आती है inspiration? कैसे आती है? नहीं सुन के लोगों को अच्छा लगे तो वो सही बहुत है, वो अच्छा है, इंस्पिरेशन कहीं से भी आ जाती है. सो अब चलो अब ये भी हो गया, अब हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे अब आगे अगले एक साल में, हम कोई सिंगल्स देखेंगे या OSTs पे काम करने, अपने ब्रांड पे काम करना है, बैंड दोबारा बनाना है, क्या करना? बैंड तो है वो जब दोबारा रिलेशनशिप्स को इस्तेमाल करके चलना है, करना क्या है? What is the next big thing we can expect? मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ. Okay. यहाँ की इंडस्ट्री के लिए. हाँ. Singles आ रहे हैं. As long as अभी वो प्रोसेस है, मुझे लग रहा है कि वापस से कनेक्शन हो रहा है. और कनेक्शन जो है मेरा और फैंस का वो 1.5-2 महीने में बना है. इंडस्ट्री से तो कनेक्शन बन गया था काम करने के बाद कोई साल में, लेकिन फैंस के साथ अभी बना वापस. ये जो नए फैंस हैं, ये जो ड्रामा देखते हैं, ये जो सिंगल सुनते हैं, ये जो जनरेशन है ना, ये नहीं सुनती कि दे दो मुझे तुम अपने गम या तुम मेरे, ये सब नहीं सुनती. ये सुनती है कि सुन यार अब बड़ी करा दे, ऐसा सुनती है. बिल्कुल सही है, वो गम वाले गाने मेरी जनरेशन सुनती है. गम सुनते हैं ये लोग, लेकिन वो सिर्फ तब सुनते हैं जब लड़ाई या ब्रेकअप. हाँ, ब्रेकअप हुआ होता है ना. ये इन लोग ये वाली चीजें कर रहे हैं. हाँ. न्यू एज म्यूजिक, ग्रेट. तो मुझे बस यू नो लाइक I'm flowing like a river. That's great. You know, you're just finding your way and you're doing what you feel is coming from the heart. I think that is important. और वैसे भी हमारे यहाँ भी कुछ मतलब you know you do anything, you just have to do everything. हाँ, that's true. In Pakistan. थोड़ा सा jack of all trades होना पड़ता है. हाँ. Thank you so much. मगर जाने से पहले एक मेरी request है. मैंने सुना है कि आपने cover किया साथिया, तूने क्या किया? मेरा बहुत favorite song है. हम सुन सकते हैं? हाँ सुन सकते हैं. ये एक छोटा सा स्टोरी है. हाँ, कि आई वाज इन सेटिंग इन बॉम्बे और कॉल आया एक बंदे का
विक्रम कक्कड़ करके दो तीन फिल्म्स की हैं. He said कि यार एकता का बर्थडे. ओके. एकता कपूर कहानी कर. हाँ. तो उलाला वाली. नहीं मगर सबको पता है स्टार का एकता. So yeah कि you know she loves the song और you know मुझे दो लाइनें गा के दो. Well, I have something in common with her then. Oh. अच्छा. Cool. Let's sing to these two lines. Let's sing. साथिया तूने क्या किया वेलिया मैंने क्या किया मैंने किया तेरा इंतजार मैंने किया है तुमसे प्यार सलमान खान तुमसे प्यार. Thank you so much. It was great having you. We look forward to a lot of great work from you. Aap follow kare Wajih ko. Wajih, you can share your Instagram, social media with our... Sabse pehle, thank you for calling me. Not at all. It was a pleasure. Yeah. And then you guys can follow me. Tum log Rate Band Official Instagram, Wajih Farooki Official Instagram, Rate Music Facebook, jo naya music ke liye, you know, and gaano ke liye. और सपोर्ट करो वो सफर आया है जाके सुनो जैसे शेयर करो. थैंक यू सो मच फॉर बाबा जानी का ओएसटी कि इतना प्यार दिया है और इतना उसको जो है वो पसंद किया है. इसी तरह वो सफर को भी पसंद करो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सिटी सेस टीवी. टिल नेक्स्ट टाइम बाय बाय.